संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण हैं, और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली पुष्टि मार्ग के जहाज उद्धव जी के अवतार महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 125,000 पदों की रचना ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभपुर का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज पंडित जी महाराज की आज्ञा से भी यहाँ आकर विराजे, और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही है, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गुरु चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है, पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त राष्ट्रभक्त भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग वैष्णवजन सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें ऐसी है। विनय पत्रिका ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा। ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सदगुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे 18 पुराणों का सार सर्वस्व फल रूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतकरण का ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। दयहीन श्री रघुनाथ जी के दिव्य स्वभाव को सुनकर भी इसके मन में प्रेम नहीं जगता। हे नाथ, आप अपने स्वभाव की ओर देखिए, मेरी ओर देखेंगे तो मुझ में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं कि आपको हम रिझा सकें, आपको प्रसन्न कर सकें। आप अपनी करुणा, अपनी दयालुता के, अपनी भक्तवत्सलता की ओर देखिए और अपने स्वभाव का, अपने दयालु स्वभाव का विचार करके हस्ताक्षर कर दीजिए, सही कर दीजिए। बहुरी पूछिए पांचों माने पंचों से, बाद में पंचों से पूछिए कि ये है, अब आप लोग अब कहिए क्या बात है। ये तो अंतिम पद अपने आराध्य के चरणों में लिख रहे हैं गोस्वामी जी। और इसके बाद जिनकी आरंभ में स्तुति की है भगवान का नित्य परिकर, उस परिकर से फिर प्रार्थना कर रहे हैं आगे के पद में, 278 नंबर वाले पद में। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की, निज निज अवसर सुधि किए बलि जाऊं, दास आस पूजी है खास खीन की। राजद्वार भली सब कहें साधु समी चीन की, सुकृत सुजस साहिब कृपा स्वारथ परमारथ गति भये गति विहीन की। समय संहारी सुधार भी तुलसी मलीन की, प्रीति रीति समुझाय भी नत कृपा नत पाल कृपालु ही परमिति पराधीन की। हे पवन कुमार, हे हनुमान जी महाराज, ये पवन सुवन कहने का भाव क्या है? वायु का स्वभाव वहना है, बहती है ना वायु, मानो जैसे वायु सर्वत्र गो महान, अव्याहत गति वायु की सर्वत्र है, ऐसे ही आप उनके पुत्र हैं, इसलिए राम जी के प्रत्येक सेवा में आपकी गति है, सर्वत्र आप विराजमान हैं। कभी आप प्रभु से वियुक्त होते ही नहीं, निरंतर उनकी सेवा में रहते हैं। हमने अपने पूज्य गुरुजनों से सुना है कि एक बार श्री जानकी जी ने देखा कि हनुमान जी बड़े दुर्बल हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, माताओं के हृदय में बड़ा वात्सल्य होता है, बालक हृष्ट पुष्ट हो तो भी मैया की आंख तो कहती है कि बहुत कमजोर है, भले ही डॉक्टर कह रहे हैं कि वजन घटाओ,
पर मैया तो कहेगी अरे कुछ नहीं, एकदम देखो कितने सूख गए, दुबले पतले हो गए। माँ का हृदय ही ऐसा होता है। फिर तो श्री किशोरी जी तो जनक सुता जग जननी जानकी, जग जननी है। और हनुमान जी तो वस्तुतः दुर्बल हो रहे थे, तो श्री किशोरी जी के नेत्र भराए, हृदय भराया और बड़े स्नेह से अपना वरदहस्त श्री हनुमान जी के मस्तक पर फिराते हुए कहा, बेटा हनुमान क्या बात है, बड़े दुर्बल हो रहे हो, क्या बात है, स्वास्थ्य तो ठीक है कि नहीं, तबीयत ठीक है? माता जी आपकी कृपा है, आपका वात्सल्य है, प्रभु की कृपा है, कोई कष्ट नहीं है, फिर इतने दुर्बल क्यों हो रहे हो? किशोरी जी ने कहा मैं स्वयं ही बढ़िया बढ़िया सुंदर मोहन भोग हलवा और लड्डू रबड़ी मलाई के पुआ ये सब सुंदर सुंदर पकवान में स्वयं रघुनाथ जी को पवा कर उनका अधरामृत तुम्हें देती हूँ, तुम खूब तृप्त हो के पाते भी हो, फिर तुम्हारे कहते ना अंग क्यों नहीं लग रहा है, शरीर में क्यों नहीं लग रहा, दुर्बल क्यों होते चले जा रहे हो, क्षीण क्यों हो रहे हो? लगता है भीतर से कोई कष्ट, कोई व्यथा, कोई पीड़ा, कोई चिंता तुम्हें है। देखो बेटा, माँ से छिपाव नहीं करना चाहिए, माँ के सामने तो सब बात कह देनी चाहिए। कहो, जब किशोरी जी ने विशेष आग्रह किया तो हनुमान जी बोल नहीं पाए, फूट फूट कर रोने लगे, बहुत व्याकुल हो गए, बहुत रोने लगे। तब जानकी जी को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा दुखी है भीतर से, क्या बात है, किस बात से दुखी है? किशोरी जी ने कहा कि रोते ही रहोगे कि कुछ कहोगे भी? अरे जब तक कहोगे नहीं तब तक तुम्हारी बात कैसे पता चलेगी, रोते ही रहोगे। रोते रोते हनुमान जी की हिचकी बंध गई और हनुमान जी ने हिचकी लेते हुए, जैसे छोटे बच्चे हिचकी लेते हैं ऐसे हिचकी लेते हनुमान जी ने कहा, माता जी प्रातः काल मंगला से लेके शयन में जाने के पूर्व तक तो आप दोनों का वात्सल्य खूब मिलता है, खूब सेवा मिलती है, पर रात्रि में जब सरकार श्री रंग महल में प्रवेश कर जाते हैं तो आपकी सखियां छड़ीदार बनकर खड़ी रहती हैं, वो कहती बस हनुमान जी अब आपकी सीमा यहीं तक है, अब राम राम करो, जाओ भजन करो। तो रात्रि में आपके दर्शन से, आपकी सेवा से मैं वंचित होता हूँ। अच्छा है, सखियों का सौभाग्य है और ठीक भी है, मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो उसी पीड़ा में कि रात्रिकालीन सेवा से मैं वंचित रह जाता हूँ और वह वियोग, रात्रि के काल का वियोग मुझसे सहन नहीं होता, यही कारण है। श्री किशोरी जी गदगद हो गई। वस्तुतः सेवा में भाव हो तो ऐसा ही भाव होना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के मुखारविंद से हमने सुना कि श्री किशोरी जी करुणार्द्र भई और उन्होंने अपना करकमल हनुमान जी के मस्तक से लेकर ऐसे पीठ तक जैसे ही फिराया तो हनुमान जी के ही श्रीअंग से एक सखी प्रकट हो गई। वो सखी हैं श्री चारुशीला जी, ये हनुमान जी हैं। कहा देखो, महल की मर्यादा भी रहेगी, इस चारुशीला सखी के रूप में तुम निरंतर मेरी सेवा में, स्नान में, मेरे श्रृंगार में, रास विलास में निरंतर तुम साथ रहोगे। तो माधुरी रस का अनुभव भी हनुमान जी महाराज करते हैं सखी स्वरूप में, ऐसी हनुमान जी की। तो हनुमान जी ही ऐसे हैं जो बाह्य लीला में भी सरकार की सन्निधि का अनुभव करते हैं और अंतरंग से अंतरंग लीला में भी सरकार की नित्य सन्निधि प्राप्त करते हैं, युगल की पौढ़ने की सेज भी तैयार करते हैं, अपने करकमल से सखी स्वरूप में युगल का रास का श्रृंगार भी करते हैं। इसलिए हनुमान जी को सबसे पहले याद किया। पवन सुवन, पवन सब जगह जाता है, आप तो सब जगह जाते हैं, पिताजी का गुण आप में है। और एक दूसरी कथा तो अत्यंत प्रसिद्ध है ही है कि एक बार राम जी के परिकर में एक गोष्ठी हुई,
सबने कहा कि भाई हनुमान जी इतने पक्के सेवक हैं कि ये कोई सेवा हम लोगों के लिए छोड़ते ही नहीं। पता नहीं कैसा तो शरीर है इनका, आलस्य का तो नाम निशान नहीं है, लगता सोते तो हैं ही नहीं, जब देखो तब सेवा में खड़े। अब जो निरंतर पास में रहेगा सेवा तो वही करेगा, और ये तो चरण छोड़ते ही नहीं। तो हम लोगों को जो सेवा मिली है वो सेवा भी हम नहीं कर पाते, यही कर लेते हैं अकेले। तो कुछ ऐसा करो कि भाई हमारी सेवा न छिने। तो सबने एक अंतरंग गोष्ठी की और गोष्ठी करके एक पर्चा बनाया, सेवा बांटो, सेवा बट गई। तो सबने सेवा बांट ली, ठाकुर जी के सवेरे जगने से लेके शयन तक की सारी सेवा, बहुत सोच करके छोटी सी छोटी सेवा भी नहीं छोड़ी गई, सब सेवाएं बट गईं परिकर में। और उस बैठक में हनुमान जी को नहीं बुलाया गया, बिना हनुमान जी के बैठक हुई, बैठक में हनुमान जी को नहीं बुलाया गया। और सारी गोष्ठी होने के बाद तब वो पर्चा श्री सीताराम जी के चरणों में प्रस्तुत किया गया। हनुमान जी वहीं बैठे थे, हनुमान जी को तो पता नहीं था बैठक कहाँ हो रही है, हनुमान जी वहीं बैठे थे। पर्चा सरकार के हाथ में दिया, बोले सब थोड़ा सेवा में ठीक व्यवस्था बनी रहे इसके लिए ये सब बनाया है पर्चा, आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, प्रार्थना आप सब देख लीजिए, आप अपना सही कर दीजिए। रघुनाथ जी ने देखा, किशोरी जी ने देखा, देख के खूब मुस्कुराए, प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा है, सबकी सेवा भावना है, हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद हनुमान जी ने कहा, सरकार पूछने का स्वभाव और अधिकार तो हमारा नहीं है, लेकिन ये कैसा पर्चा, कैसे हस्ताक्षर? बोले हनुमान जी वो सब सेवा लोगों ने बांट ली है। अच्छा सेवा, तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि मेरा भी इसमें कहीं ना कहीं नाम तो होगा, तो आपकी अनुमति हो तो मैं देख लूँ। हाँ हाँ देख लो देख लो देख लो, पढ़ा उन्होंने, हनुमान जी का कहीं नाम नहीं। तो हनुमान जी को नाराज होना चाहिए था कि नहीं, कि मैं दिनों रात सेवा करता हूँ, मेरा ही नाम काट दिया, बताओ। पर हनुमान जी अत्यंत दैन्य भाव से भर गए, उनके मन में आया सच्ची बात है, मैं तो आज तक प्रभु की सेवा कर ही कहाँ पाए, मैंने सेवा ही क्या की है, नाम तो सेवकों का लिखा जाता है, मैं सेवक हूँ ही नहीं तो मेरा नाम क्यों लिखा जाएगा। पर फिर भी तो कृपा करके कोई सेवा दे सकते थे इस दीनहीन को भी। हनुमान जी ने आँख में आंसू भर के कहा कि इस दास को आप लोगों ने कोई सेवा का सौभाग्य नहीं दिया। अरे आप ही तो सब सेवा करते हैं, आप छोड़ते ही कौन सी सेवा हैं, अब ये सेवा हम लोगों ने बांट ली है, इससे बची हुई सेवा आपकी, इन सेवाओं से जो बच जाए वो सब, जितनी सेवा बच जाए वो सब आपकी। हनुमान जी तो ज्ञानीनाम अग्रगण्यम हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं। श्री हनुमान जी ने फिर पर्चा हाथ में लिया, फिर बारीकी से उसको आद्योपांत पढ़ा और सोचे ये साधारण पर्चा नहीं है, इसको तो पूरी अपनी चतुराई और पूरी बुद्धि का प्रयोग करके लिखा गया है कि यहाँ तक कि ठाकुर जी को भोजन और भोग आरोगने के बाद, भोजन करने के बाद कुल्ला कराना, हाथ पैर धुलाना, आचमन कराना, वो तो सब ही है। मान लो उनको नीम के खड़िका की जरूरत पड़े तो वो भी सेवा लिखी है कि ये व्यक्ति नीम की सींक देगा दांत में लगाने के लिए, तो इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, कोई चीज तो नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। पर हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सेवक को तो कोई ना कोई सेवा मिल ही जाती है, हम पास में हैं, अब इससे बच जाएगी वो सेवा हमारी। सोच रहे थे क्या बचेगी क्या बचेगी, क्या करें क्या करें क्या करें, तब तक सरकार को आई जमाई,
ऐसे सरकार ने किया। जैसी जम्हाई आई हनुमान जी ने तुरंत चुटकी बजा दी, क्योंकि जम्हाई पर चुटकी बजाना चाहिए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले सरकार अब किसी को असुविधा न हो तो सरकार को जब जम्हाई आवे तो चुटकी बजाने की सेवा हम लें। सरकार को क्यों इतना कष्ट करना पड़े चुटकी बजाने पर, चुटकी हम बजाएंगे। सब बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी की कुशलता देख के, बोले हाँ ठीक है चुटकी बजाने की सेवा आपकी। अब दूसरे सेवक तो सेवा पूरी हुई, जाओ यहां क्यों भीड़ खड़ी कर, क्यों भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। और श्री हनुमान जी तो अब निरंतर पास रहने लग गए, क्यों जम्हाई का कोई मुहूर्त थोड़ी है कि अब आएगी जम्हाई, जब आएगी तब, कभी भी आ सकती जम्हाई, तो छींक है जम्हाई है वो कभी भी आ सकती। जब जम्हाई आएगी तो चुटकी बजानी होगी। हनुमान जी आप जब बोले तो हमारी सेवा ही ऐसी है, हमको तो लगातार मुखारविंद की ओर देखना पड़ेगा, सेवा में चूक नहीं होनी चाहिए। आपने बड़ी कृपा की, अब तो केवल चरणों तक ही देखते थे, अब आप सबने कृपा करके हमको निरंतर मुखारविंद को टकटकी लगाकर देखने का सौभाग्य दे दिया। सबने कही भाई बलिहारी है इनकी बुद्धि की, ये बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हम लोग तो चाहते थे कि सेवा से थोड़ा दूर हों तो हम लोग करें सेवा, लेकिन अब तो ये तो और चिपक गए सेवा में, इनकी तो और पक्की सेवा हो गई। दिन भर तो बीता हर समय हनुमान जी निकट में। अब जैसे ही फिर सैन कुंज में पधारे तो फिर सखियों ने कहा कि अब बाहर रहो। बोले हम तो बाहर नहीं रहेंगे, क्यों रात को ही तो जम्हाई ज़्यादा आती है, और कब तक नींद नहीं आवे, जब तक नींद नहीं तब तक जम्हाई आएगी, जम्हाई आएगी तो हमको हमारी सेवा चूक जाएगी, फिर रात्रि में कब उठें कब जम्हाई आवे फिर चुटकी बजानी होगी, उठेंगे सवेरे तो चुटकी बजानी होगी। बोले सब अपने पास रखो चुटकी बजाने का, अब नहीं अब सरकार को सोने दो, अब आप नहीं जा सकते हो। यहाँ चुटकी बजाने का अवकाश नहीं है, क्योंकि सैन्य कुंज में आहा धन्य है। अग्र स्वामी जी का एक बड़ा प्यारा पद है, बहुत ही सुंदर पद है। श्री सीताराम बड़ी अद्भुत है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा कई पद हैं, उनमें एक पद जो हमारी स्मृति में आया है उसको हम कह करके फिर वो चर्चा जो कर रहे हैं वो करेंगे। अग्र स्वामी जी का पद है, महल बीच सोर करो जनी कोए, महल बीच सोर करे जनी को, कछुक रहस बस कछु आलस बस, कछुक रहस बस कछु आलस बस, अब ही मैथिली सो, हाँ अवही मैथिली।
महल बीच सोर करो जनी कोई, नूपुर दावी चलो मोरी सजनी, नूपुर दावी चलो मोरी सजनी, तनक झनक नहीं हो हारुनक झुनक नहीं हो, महल बीच सोर करो जनी को, पहरेदार सजग हुए रहियो, पहरेदार सजग हुए रहियो, आवा गमन ना होए, आवा गमन ना, महल बीच सोर करे जनी कोए, महल बीच सोर करे जनी को, अग्र अली जू के प्राण जीवन धन, अग्र अली जू के प्राण जीवन धन, जगे न पल का सोए, जगे न पल का सो, महल बीच सोर करे जनी कोए, महल बीच सोर करे जनी को। यहां चुटकी उटकी बजाने का काम नहीं है, तो जाओ पधारो। तो हनुमान जी ने कहा भाई अब इनसे कौन मुंह लगे, सखियों से कोई बात नहीं है। तो हनुमान जी महल के कंगूरे पर बैठ गए और मन में सोचने लगे कि ठीक है पास में नहीं रह सकते हैं तो चुटकी बजाकर हम कीर्तन करें, श्री राम जय राम जय जय राम। तो रात भर कीर्तन करेंगे, अच्छी बात, सोने की जरूरत ही नहीं है। जब बाहर आवेंगे तब फिर तो सन्निधि मिलेगी ही सरकार की, चुटकी बजाएं। तो जब ठाकुर जी की जमाई आएगी तो चुटकी तो हम लगातार बजा ही रहे हैं, वो हमारी सेवा पूरी हो जाएगी, सेवा में चूक नहीं होगी। इस भाव से हनुमान जी महल के कंगूरे पर, कनक भवन के कंगूरे पर बैठ करके चुटकी बजाने लगे और चुटकी बजा बजा कर कीर्तन करने लगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम,
जय जय राम श्री राम जय जय। हनुमान जी तो चुटकी बजा बजा कर कीर्तन कर रहे थे और सरकार के मन में भाव आया कि मेरे प्राण प्यारे भक्त हनुमान जी की कोई चुटकी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो जितनी चुटकी बजा में उतना सरकार जमाई लें। हनुमान जी की चुटकी बढ़ी और सरकार का मुंह खुला का खुला रह गया, ऐसे मुंह रह गया। वो लगातार चुटकी बजेगी तो कहाँ तक मुंह बंद करेंगे, खोल दिया मुंह सरकार ने, हाहाकार मच गया। सखी घबरा गई, सरकार को क्या, किशोरी जी घबरा गई। बातों बातों में तीनों माताएं कौशल्या के कई सुमित्रा सब इकट्ठी हो गईं, तमाम अंतरंग सब महल के लोग वहीं इकट्ठे हो गए। सब रो रहे थे सरकार की क्या हालत बिगड़ गई, क्या हो गया, मुंह फैलाए हुए हैं। अर्धरात्रि का समय है तो तुरंत गुरु जी को याद किया गया, श्री वशिष्ठ भगवान पधारे। वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी ने से कहा महाराज क्या हो गया, पता नहीं क्या उपद्रव हो गया, सरकार का मुंह खुला का खुला रह गया। वशिष्ठ जी तो समझते हैं भगवान श्री राम के तत्व को, भली भांति समझते हैं कि ये लीला कर रहे हैं, कोई नाटक कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि इस विकट परिस्थिति के समय सब लोग निकट हैं, सब रो रहे हैं, हनुमान जी कहाँ। तो चारों ओर सबकी ओर देखा, वशिष्ठ जी ने कहा हनुमान जी कहाँ हैं। अब तक किसी का ध्यान नहीं था हनुमान जी कहाँ हैं, अब सबने कहा हाँ हनुमान जी कहाँ हैं, हनुमान जी कहाँ हैं। किसी ने कहा उनके साथ कल घोर अन्याय हुआ, उनको कोई सेवा नहीं दी गई, हो सकता है नाराज होके रूस के चले गए हों। खोजो भाई, दिन भर तो यहीं थे, रात में कहाँ चले गए। किसी सखी ने कहा कि हट कर रहे थे भीतर जाने का, बोले अब जम्हाई आएगी चुटकी बजाना है, तो हमने कहा भाई अब तो हो गया, बाहर रहो, अब कहाँ हैं बाहर पता नहीं। वशिष्ठ जी ने ध्यानस्थ होकर, अरे हनुमान जी तो वहाँ हैं, समझ में आ गया कि ये सब हनुमान जी की चुटकी का ही खेल है। तो वशिष्ठ जी ने हनुमान जी से कहा अरे भाई जल्दी आओ। जैसे हनुमान जी आए और हनुमान जी की चुटकी बजाना बंद हुआ, अरे ये सरकार को क्या हुआ, विस्मय करके जैसे उन्होंने चुटकी बजाना छोड़ा, सुई भगवान का मुख बंद हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब पता चला कि हनुमान जी की चुटकी व्यर्थ न चली जाए, इसलिए सरकार का मुंह खुला का खुला रह गया। सब ने कहा हनुमान जी क्षमा करो, अब सब सेवा आपकी, आपसे कुछ बच जाएगी, आपकी कृपा हो जाएगी तो थोड़ी मोड़ी हम भी कर लेंगे, बाकी अब प्रधान सेवक सेवादार आप ही हैं सरकार के। ऐसी सेवा की निष्ठा अन्य किसी में हो नहीं सकती है, अब आप ही सब सेवा करो। वो कहते थे कि वो पर्चा जो बनाया था ना, उसको फिर विसर्जित कर गया सरयू जी में, बोले जाओ भाई, भाई जाओ सरयू जी में, हो गया अब नहीं, अब कोई पर्चा वर्चा नहीं, सब हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी की कृपा से। ऐसे हनुमान जी सेवक हैं। तो सखी स्वरूप में भी महल की सेवा करने वाले, निरंतर बाहर भी सेवा करने वाले, सेवा धर्म के स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए हनुमान जी का नाम सबसे पहले गोस्वामी जी ले रहे हैं। दूसरी बात, हनुमान जी मूल रूप में कौन है, कौन है हनुमान जी मूल रूप में? रुद्र देह तजिने बस बानर भे हनुमान। साक्षात देवाधिदेव भगवान शिव ही राम जी की सेवा का सुख प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के रूप में। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सौभाग्य है कि उनके ऊपर सर्वाधिक अनुग्रह उनके जीवन में यदि हुआ है तो भगवान शिव का, भगवती पार्वती का अनुग्रह सबसे अधिक हुआ है।
गोस्वामी जी के जन्म के समय ही उनके मुख में 32 दांत थे और जन्म लेते ही आकार इतना बड़ा हो गया, 3 वर्ष का बालक जितना होता है इतना बड़ा आकार उनका हो गया। गोस्वामी जी अवतारी पुरुष थे, अपने अंगुल से 108 अंगुल उनके श्री उनका शरीर था, दिव्य महापुरुष। और उस दिव्य रत्न को लोग पहचान नहीं सके। कथा आप सबको मालूम है कि तुलसी माँ ने अपनी उस अनुपम धरोहर को अपनी दासी चुनिया के हाथ में दे दिया और चुनिया कुछ समय तक ही सार संभार कर पाई हरिपुर में, और अंत में चुनिया भी चली गई भगवत धाम। 5 वर्ष के बालक तुलसीदास जी महाराज, अवस्था तो 5 ही वर्ष की थी लेकिन आप लगते थे 8-9 वर्ष के जैसे, इतना आपका दिव्य स्वरूप था। और आप अब सर्वथा अनाथ अनाश्रित हो गए और लोगों में ये प्रसिद्धि और हो गई कि ये बालक इतना अशुभ है कि इसके शरीर की छाया जिस पर पड़ जाएगी उसका तो सत्यानाश होना ही है। देखो मैया मर गई, पिता मर गया और गांव भी उजड़ गया, गांव भी उजड़ गया था राजापुर। गांव उजड़ने का कारण ये था कि तुलसीदास जी जैसे दिव्य रत्न का आदर नहीं हुआ, भक्तापराध के कारण ही गांव उजड़ा, गांव पर विपत्ति आई, पूरा गांव उजड़ गया, वो गांव भी उजड़ गया। ये चुनिया लेके आई थी ये भी मर गई। अब सर्वथा अनाथ अनाश्रित होकर के तुलसीदास जी भटकने लगे और उनके जीवन की वह वेदना उनके काव्य में कई स्थानों पर प्रकट हुई है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कई जगह बात कही है, चाटत रहो स्वान पातर ज्यो कबहू न पेट भरो। कुत्ते का पेट भरता क्या पत्तल चाटने से, वो दशा हमारी थी, भूख के मारे बिलबिलाते थे, चलो कुछ कण मिल जाए जूठा खा करके ही गुजारा कर लें। चाटत रहो स्वान पातर ज्यो कबहू न पेट भरो। इसका आशा ही मत लगाना कि पत्तल कहीं फेंकती थी उसको गोस्वामी जी चाटते, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। इसका भाव यह है कि जैसे पत्तल चाटने से कुत्ते का पेट नहीं भरता, ऐसे मेरा कभी पेट नहीं भरा बचपन में। सोहो चाखत नाम सुधारस पेखत पर सुधर्यो। अब राम नाम सुधारस चाखने की महिमा है कि तमाम व्यंजन सामने परोसे रखे रहते हैं पर राम नाम में इतना रस आता है अब किसी वस्तु को खाने का उसकी ओर देखने का मन नहीं होता। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, मानत हो चार फल चार ही चणक को। किसी ने हमारे हथेली पर दयावश 4 चने रख दिए, गिनती के 4 चना। मैं सोचता था ये कितना दयावान है, इसने मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष मानो चारों पुरुषार्थ दे दिए। गोस्वामी जी ने सर्वत्र अपनी दीन दशा का स्मरण किया है। हनुमान बाहुक सबसे छोटी कृति है उनकी। हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी कहते हैं, बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो राम नाम लेत मांगी खात टूक टाक हो। टुकड़े खा करके गुजारा करता था, लोग टुकड़ा दे देते थे। बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो राम नाम लेत मांगी खात टूक टाक हो। पर्यो लोक रीति में
पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरक तराक हूं। खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, बालपने सूधे मन राम सनमुख भयो, राम नाम लेत मांग खात टूक टाक हूं। पर्यो लोक रीत में पुनीत प्रीति मो राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरक तराक हूं। इस दशा में बालक अनाथ बालक को देख करके सबसे पहले यदि किसी का हृदय बिना भक्ति बिना उपासना बिना सेवा के किसी का हृदय द्रवित हुआ है तो ये हैं भूत भावन भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव, उनका हृदय दया से भराया। इसलिए गोस्वामी जी भगवान शिव के प्रति भगवती पार्वती के प्रति बहुत ही अधिक कृतज्ञ हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, सब कुछ उनको माना, गुरु पिता माता सब महेश और भवानी सब कुछ उनके हैं। अत्यधिक प्रीति है मानसी में भी। गोस्वामी जी कहते हैं जरत सकल सुर बृंद विषम गरल जेहि पान किया तेहि न भजसि मति मंद को कृपालु शंकर सरिष। शंकर जी की कृपा का खूब स्मरण किया है। शंकर जी ने कहा देवी पार्वती इस बालक के द्वारा जीवों का बहुत बड़ा हित होने वाला है, अब इस बालक की सार संहार तुम अपने हाथ में ले लो। साक्षात भगवती अन्नपूर्णा जगदम्बा पार्वती पधारी हैं, भगवती पधारी हैं और बालक तुलसी को वस्त्र भी पहनाए, नहलाया धुलाया उबटन लगाया और अपनी गोद में बिठाकर खीर खिलाई है। अब तो कहीं खाने आने की जरूरत नहीं, नित्य खीर खाओ मस्त रहो। तो गांव में चर्चा हो गई कि पहले तो राम राम दया करो हमको, मैं भूखा हूँ कुछ खाने को दे दो मांगता था, अब तो कुछ मांगता नहीं, आते ही नहीं, गांव के भीतर ही नहीं आता, क्या बात है, कहाँ गया, चला गया क्या। लोगों ने कहा नहीं जंगल में तो आनंद से रहता, अब तो खूब तगड़ा भी हो गया, पुष्ट हो गया, बड़ा प्रसन्न रहता है, ये खाता क्या है। संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है, कोई सुखी सुख से रहता हो तो भी संसारों से सुखी सुखी रहते हुए देखना नहीं चाहता है। संसार की विचित्र से क्या खाता है, अरे तुम तो खिलाते नहीं, तुमने तो छाया से भी घृणा करना आरंभ कर दिया, अब वो प्रसन्न है तो रहने दो प्रसन्न, तुम्हारा क्या ले रहा है। लेकिन नहीं, पीछे लग गए और अंत में किसी को दिखाई पड़ गया कि कोई ब्राह्मणी आती है, वो गोद में बिठा कर खिलाती है, सबसे सब प्रकार की सेवा भी करती है। तो लोगों ने नाकाबंदी शुरू कर दी और भगवती पार्वती का आना भी बंद हो गया। तब भोले बाबा ने ही चित्रकूट में विराजने वाले श्री नरहरिदास जी, जो जगतगुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी और अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य नरहरियानंदाचार्य जी को आदेश दिया कि बालक को तुम अपना करके शिक्षा दीक्षा दे करके कृतार्थ करो और बालक को नरहरियानंद जी ने स्वीकार किया। कहने का आशय ये है कि भरण पोषण भी भगवान शिव की कृपा से भगवती अन्नपूर्णा के द्वारा और सदगुरु की प्राप्ति भी शिव जी की कृपा से। और अब राम बोला जी तुलसीदास जी हो गए। पर एक बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए,
कि श्री नरहरियानंदाचार्य जी महाराज ने आपका उपनयन संस्कार करा के, यज्ञोपवीत संस्कार करा के, आपको द्विजाति संस्कार करा के, विधिवत आपको राम मंत्र पंच संस्कार प्रदान किए थे, किंतु विरक्त वेश प्रदान नहीं किया था, विरक्त दीक्षा नहीं दी थी, क्योंकि ब्राह्मण बालक है, छोटा बालक है, और अभी इसके विचारों को परिपक्व होने का अवसर देना चाहिए, वो तो सब जानते ही थे, लेकिन उस अवस्था में उन्होंने विरक्त दीक्षा नहीं दी थी। और फिर पढ़ने के लिए काशी श्री सनातन जी उनके मित्र थे, उनके पास काशी पढ़ने के लिए भेजा। तो अब तक जो कुछ हुआ है वो शिव जी की कृपा से हुआ है। और इसमें आप आश्चर्य न करें, बदायूं जिले में, बदायूं जिला है, बदायूं जिले के कैल गांव में हम गए थे, आप थे हमारे साथ, आप नहीं थे, त्यागी जी थे और कौन कौन था, शायद मदन मोहन दास जी थे कि नहीं पता नहीं। तो कैल गांव में एक पंडित जी थे, वो कथा के लिए हमको ले गए थे। वैसे कथा में तो जाना था पूज्य बक्सर वाले मामा जी को, लेकिन वो बहुत व्यस्त थे, उनको समय नहीं था, और उनके योग्य शायद वहाँ व्यवस्था भी कुछ नहीं थी, तो उन्होंने मेरे पास भेजा था मामा जी ने, भैया के पास चले जाओ। अब मामा जी ने भेजा है तो तत्काल स्वीकार करना ही था, खाक चौक में थे, चले गए हम वहाँ। गए तो एक खपरेल मकान था, लंबा सा घर था, पंडित जी सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे, उसी में हम लोगों का आसन था, सामने एक छोटा सा बरंडा था, उसी में चौकी लगी थी, उसी में कथा होती थी, और पंडाल वगैरह कुछ नहीं था, बरसात का समय था, और आश्चर्य की बात है, कथा शुरू होते ही पानी बरसना शुरू होता था, और कथा बंद होते ही पानी बंद हो जाता था, दो टाइम कथा होती थी, दो टाइम पानी बरसता था, और ऐसी कथा जीवन में अब तक हुई नहीं। सब श्रोता छत्ता ले लेके आते थे, एक लकड़ी का पीढ़ा, पीढ़ा पर बैठते छत्ता लगा लगा, सैकड़ों छत्ता सामने लगे हुए, 8-9 घंटा रोज कथा होती थी, बड़ा सुख मिला वहाँ कथा में। तो वो कक्ष जिसमें हम लोगों को रुकाया गया था, खपरेल मकान था, उसमें जिस दिन गए हैं शाम को हम लोग पहुँचे थे, और शाम को सोते ही उसमें विलक्षण अनुभूतियाँ शुरू हो गई, नित्य प्रति भगवान की कोई न कोई विलक्षण लीला का अनुभव वहाँ होता था, रात्रि भर लीला दर्शन हुआ वहाँ, निद्रा भी कम आई, बड़ा सुख मिला। तो सवेरे मैंने कैल वाले जो पंडित जी थे, नाम भी मैं भूल गया, पंडित जी से मैंने पूछा, मैंने कि पंडित जी महाराज स्थान बड़ा दिव्य है, यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर स्वप्न आए। तो वो उनके आँख में आंसू भराए, बोले महाराज जी हमारे गुरु जी ने इसी घर में रह करके 1 अरब महामंत्र का जप किया था। कितना? 1 अरब, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। उन्हें साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त था। और उन्होंने बताई जो विचित्र बात स्वामी श्री श्यामानंद जी के बारे में, बोले हमारे गुरुदेव को वर्षों तक किसी से कुछ नहीं लिया उन्होंने, क्यों? बोले उनके राम नाम जप को देख करके, महामंत्र जप को देख कर भगवान शिव द्रवित तो हो गए, और भगवती पार्वती रोज उनको दूध, अधोटा दूध लेके आती थी। लोगों में चर्चा का विषय हो गया कि स्वामी जी कुछ नहीं खाते हैं, खाली भजन करते हैं। तो एक पंडित जी जबरदस्ती आकर वहाँ पड़ गए, और उसके बाद फिर भगवती ने आना बंद कर दिया, और फिर स्वप्नादेश हुआ कि अब आप पवित्र ब्राह्मणों के घर की भिक्षा ले लिया करें। तब से उन्होंने नहीं, वर्षों तक केवल दूध पी करके वो रहे। और वे पूज्य श्यामानंद जी कहते थे कि साधन पथ पर आगे बढ़ने के लिए विनय पत्रिका का आश्रय लेना चाहिए, और तत्काल प्रेम का उदय हो इसके लिए मीरा जी के पदों को गाना चाहिए। मीरा जी के पदों से उनको बहुत प्रेम था, और उन्होंने अपने पद गान में लोगों को प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति कराई थी। ऐसे महापुरुष थे। तो ये बात हम इसलिए उन पूज्य श्यामानंद जी का स्मरण कर रहे हैं कि ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो ज़्यादा सदा 50 साल पुरानी बात होगी। 50 वर्ष पहले तक भी एक ऐसे महापुरुष हुए
जिनको वर्षों तक भगवती पार्वती ने भिक्षा कराई। तो तुलसीदास जी के लिए भगवती जगदम्बा वर्षों तक आई हो तो उसमें क्या आश्चर्य, पर अब तो गुरु महाराज की सन्निधि प्राप्त हो गई, गुरु जी ने विरक्त दीक्षा आपको प्रदान, वैष्णवी दीक्षा आपको प्रदान कर दी और आपको गुरु जी की सन्निधि भी वहाँ मिल गई। और इसके बाद जब अध्ययन पूर्ण हुआ तो अध्ययन पूर्ण होते ही गुरु शेष सनातन जी भगवत धाम चले गए, उनको शिव सायुज्य प्राप्त हो गया। तो गुरु जी का संस्कार अंतिम उत्सव करके आपका मन व्याकुल हुआ, गुरु जी ने कह दिया था श्री स्वामी नरहरि आनंदाचार्य जी ने कि जब तक तुम्हारा अध्ययन पूर्ण न हो तब तक तुम्हें वहीं रहना है और इसके बाद तुम मेरे पास आ सकते हो। तो वे चित्रकूट आए, लेकिन जब चित्रकूट आए तो पता चला कि श्री नरहरियानंद जी भी भगवत धाम चले गए। आपको असह्य पीड़ा हुई कि संसार में मुझे अपना कहने वाला तो कोई है नहीं, माता पिता पहले चले गए, गांव की तो स्मृति भी नहीं, गांव है कैसा जहां हम पैदा हुए थे, और अब संसार में कोई नहीं है मेरा, गुरु जी भी चले गए, गुरु का असह्य वियोग हुआ। लेकिन अब चित्रकूट धाम तक आ चुके हैं तो एक बार मन में आया, व्यथित थे बहुत कि चलें, सुनते हैं यहीं राजापुर गांव है तो चलें एक बार राजापुर का दर्शन तो कर लें। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, हैं भगवान श्री राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और आप जब वहां आए तब प्रकांड पंडित थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे, तब लोगों ने कहा भैया पंडित जी का वंश तो डूब गया, वंश चलना चाहिए, पंडित आत्माराम दुबे जी के पुत्र हैं, तो घर को भी लोगों ने ठीक ठाक करवा दिया और फिर हठपूर्वक उनका विवाह भी करा दिया। इसके बाद विवाह के बाद जब रत्नावली जी के फटकार से आपको वैराग्य जगा और आपने प्रयाग में आकर के पुनः विरक्त वेश ग्रहण किया, ऐसी भी मान्यता है कि प्रयाग में उस समय श्री स्वामी देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज विराज रहे थे, उनसे आपने विरक्त वेश स्वीकार किया, ऐसी मान्यता है, इसलिए उनके स्थान को तुलसीदास जी का स्थान कहते हैं, दारागंज प्रयाग को। हमारे यहां संतों में अपने मनमाने ढंग से विरक्त वेश धारण करने की परंपरा नहीं है, किसी महापुरुष से ही वेश लिया जाता है। तो इस नाते से मलुकदास जी और तुलसीदास जी गुरु भाई हुए, हैं वेश गुरु गोस्वामी जी के वहीं प्रयाग में। प्रयाग में आपने विरक्त वेश ग्रहण किया और फिर आप काशी आ गए। काशी आपकी कर्मस्थली अध्ययन स्थली सब काशी ही रही, और काशी में विश्वनाथ भगवान की दया से सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन कहाँ हुआ, काशी में, संकट मोचन हनुमान जी, काशी में हनुमान जी का दर्शन हुआ, प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया और फिर हनुमान जी ने चित्रकूट वास की आज्ञा दी और गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट आ गए। तो चित्रकूट में भी सबसे पहले सरकार का दर्शन हनुमान जी की कृपा से हुआ, लेकिन गोस्वामी जी पहचान नहीं पाए। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। मानो सरकार ने अंगूठे से तिलक करके उनको भक्त तिलक, संत तिलक, कवि कुल तिलक सब कुछ बना दिया गोस्वामी जी को। हनुमान जी ने कहा दर्शन हो गया, मिट्ठू के रूप में हमने ही तो कहा, दोहा बोला था, बोले बोला तो था लेकिन जब तक पहचान हुई तब तक सरकार चले गए। द्वारा दर्शन कराओ भी संतोष नहीं हुआ, तब आखेट करते हुए मृगया के करते हुए रघुनाथ जी का घोड़े पर बैठे हुए श्री लखनलाल जी और रघुनाथ जी धनुष्वाण लेकर जा रहे हैं जंगल की ओर।
एक बार देखा तो सही, लेकिन सोचा कोई सुंदर राजकुमार होंगे, अरे शिकार खेलने जा रहे हैं, ठीक से नहीं देखा, तब तक सरकार आगे बढ़ गए। तब आपने कहा लोचन भये रहे बैरी होए, बहुत दुखी हो गए, अंत में बहुत रोए, बोले हनुमान जी आप ऐसा दर्शन कराते, ऐसे नहीं, हमको तो बढ़िया से दर्शन चाहिए। तब आप कामदगिरी भगवान की परिक्रमा कर रहे थे, तब हनुमान जी ने पूछा था कैसा दर्शन चाहिए, बोले आप भी हो, भरत जी भी हों, लखनलाल जी भी हों, शत्रुघ्न जी भी हों, माता जी हों, पूरा दरबार का दर्शन करना है हमको। तो गोस्वामी जी जहाँ सरयू जी है ना, जहाँ सरयू जी के पास बैठते हैं कामदगिरी नाथ जी की परिक्रमा में, सरयू जी का जहाँ से स्थान है, उसी स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम राज्याभिषेक का दर्शन हुआ। उनको यही लगा कि रामलीला हो रही है। मन में सोचने भी लगे कि इतने दिन रोज रात को परिक्रमा करते थे, कभी तो रामलीला दिखाई नहीं पड़ी, आज ही रामलीला हो रही है, वाह बड़ी सुंदर रामलीला हो रही, देखने लग गए वहाँ बैठ करके। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, वशिष्ठ जी ने कहा तुम भी तिलक करो, ब्राह्मण हो संत हो तिलक कर दो। आपने तिलक किया, तब वहाँ हनुमान जी ने कहा यही है साक्षात सरकार। तब वहाँ आपको अनुभव हुआ सरकार का, प्रत्यक्ष दर्शन, पूर्ण दर्शन, तृप्तिपूर्वक दर्शन वहां करने का सौभाग्य आपको मिला। तो ये सब के मूल में हनुमान जी की कृपा है। रामचरितमानस के लेखन के मध्य जहां जहां गोस्वामी जी अटके, वहां भी हनुमान जी ने अनुग्रह किया है। इसलिए हनुमान जी साक्षात शिव हैं, शिव जी हनुमान जी दो नहीं हैं, एक ही हैं, इसलिए वो हनुमान जी के प्रति विशेष समर्पित हैं तुलसीदास जी महाराज। हनुमान जी उनके प्रति, इसलिए महाराज विनय पत्रिका में हनुमान जी को खरी खोटी भी सुना दी उन्होंने, जिससे ज्यादा प्रेम होता उसको उलाहना भी दिया जाता, और किसी को उलाहना इतना नहीं दिया, पर हनुमान जी को यहां तक कह दिया कि ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। ये जो पद है इसमें विचित्र बात गोस्वामी जी ने कही है, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, साहिब कहूं न राम से तो से न उसीले, तेरे देखत सिंह के शिशु में ढक लीले। कलयुग तो मेंढक के जैसा है और हम सिंह के शिशु के समान, आप सिंह हैं तो हम सिंह के शिशु हैं, पर देखो तो सही मेंढक ने सिंह के शिशु को ले लिया। हाँ कसुन जानत हो कलि तेरे उ मन गुनगन कीले, हमको लगता है कलयुग ने तुम्हारी सामर्थ्य को भी कील दिया है, अब तुम्हारी ताकत भी खत्म हो गई, आप कलयुग के, कलयुग उपद्रव कर रहा है, पीछे पड़ा, आप उससे हमको बचा नहीं रहे हो। हाँ कसुनत दस कंध के भय बंधन ढीले, सो बल गयो किधो भय अव गर्व गहीले। आपकी गर्जना सुनकर दसकंदर के बंधन ढीले हो गए थे। बंधन ढीले हो गए का मतलब जानते हो? बंधन ढीले होने का मतलब धोती खिसक गई, नंगा हो गया, कपड़े बिगड़ गए उसके, और वो बल कहाँ चला गया आपका? सो बल गयो किधो भय अव गर्व गहीले, वो बल कहाँ चला गया? अथवा गर्व गहीले या अहंकार आ गया आप में, ज्यादा घमंड आ गया है क्या? ऐसा कोई बोल सकता है क्या? ज्यादा प्रेम होगा वहीं ऐसा बोला जाएगा। सेवक को पर्दा फटे तू समरथ सीले, अधिक आपुते आपनो सुनि मान सहीले, सांसत तुलसी दास की सुनि सुजस तुहीले, तिहूं काल तिनको भलो जे राम रंगीले। तो हनुमान जी के प्रति विशेष अनुराग गोस्वामी जी के मन में है। विनय पत्रिका में कई पदों में हनुमान जी का आपने स्मरण किया है, और हनुमान जी के प्रति इतना प्रेम है गोस्वामी जी को, काशी में संकट मोचन हनुमान जी तो आपने विराजमान किए ही, 11 हनुमान जी और विराजमान किए, काशी काशी में तुलसीदास जी ने 12 हनुमान विग्रह विराजमान किए, 4 स्वरूप तो 80 घाट पर ही विराजमान किए, काशी में 12 स्थानों पर हनुमान जी को आपने विराजमान किए। बोलो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की।
इसलिए तुलसीदास जी को हनुमान जी का विशेष आश्रय है, इसलिए हनुमान जी का सबसे पहले नाम है। पवन सुवन रिपुदवन, रिपुदवन माने श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी का स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि शत्रुघ्न जी हैं सबसे छोटे पर इनकी भक्ति सबसे बड़ी है, क्योंकि भरत जी लक्ष्मण जी वो भगवान श्री राम के अनन्य भोग्य अनन्य शेष और अनन्यार हैं, पर श्री शत्रुघ्न कुमार जी भागवतों के अनन्य भोग्य भागवतों के अनन्य शेष और भागवतों के अनन्यार हैं, सर्वोपरि हैं श्री शत्रुघ्न कुमार। इसलिए सेवा धर्म के साक्षात स्वरूप हैं श्री शत्रुघ्न जी और रघुनाथ जी के सबसे ज़्यादा लाडले हैं, इसलिए शत्रुघ्न कुमार जी से प्रार्थना करते हैं। और शत्रुघ्न जी पर भरतलाल जी का बड़ा वात्सल्य है। देखो क्रम है, हनुमान जी प्रसन्न हो गए, शत्रुघ्न जी प्रसन्न हो गए, तो भरत जी को तो प्रसन्न होना ही है, और हनुमान जी प्रसन्न हैं, शत्रुघ्न जी प्रसन्न हैं, भरत जी प्रसन्न हैं, तो निरंतर रघुनाथ जी के वही प्राण के समान निरंतर साथ रहने वाले लक्ष्मण जी की कृपा तो फिर हो ही जाएगी। इसलिए लखन दीन की, हे पवन कुमार, हे शत्रुघ्न जी, हे भरतलाल जी, हे लखन लाल जी, आप लोगों से पहले ही से हमने पक्का कर लिया है, सरकार पत्रिका पढ़ लें, आप लोग मौके की तलाश में रहना, जैसे ही अवसर आवे इस दीनहीन तुलसीदास की याद कर लेना, किसी प्रसंग में चर्चा आपस में चर्चा करना और किसी चर्चा में इस दीनहीन की याद कर लेना। बलि जाऊं दास आस पूजी है खास खीन की, हे प्रभु मैं आप सबकी बलि जाता हूँ, बलैया लेता हूँ, आपकी बलैया लेता हूँ, आप कृपा आपके इस प्रकार का अनुग्रह करने से इस तुलसी की बिगड़ी बन जाएगी, मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, हमारी आशा पूरी हो जाएगी और रघुनाथ जी हस्ताक्षर कर देंगे। और एक विशेष बात कह रहे हैं, राज द्वार भली सब कहें साधु समीचीन की, अरे अच्छे लोगों की बड़ाई तो दरबार में सब लोग करते हैं, पर इस बुरे से बुरे की दीनहीन की प्रशंसा आप लोगों के द्वारा होगी, इसमें आप लोगों की करुणा प्रमाणित होगी, इसमें आपकी विशेषता प्रकट चलेगी, पता चलेगी, आप लोग इस शरणा शरण रहित दीन की सिफारिश कर देंगे तो इसको प्रभु की शरण मिल जाएगी। और इसका क्या होगा, बोले महाराज सुकृत सुजस साहिब कृपा स्वार्थ परमार्थ गति भये गति विहीन की, हमको तो गति मिल जाएगी, शरण मिल जाएगी, आप सबको बड़ा पुण्य मिलेगा इस दीन के ऊपर दया करने से, आपका बड़ा यश फैलेगा, आपके स्वामी आप पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि स्वामी का स्वभाव भी दीनों पर दया करने का है, तो अपने जैसा स्वभाव आप लोगों में देखकर वे और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए अवसर पाते ही मौका पाते ही इस दीनहीन पतित की बात आप कृपा करके गोस्वामी भगवान के सामने निवेदित कर देना और वे कृपा करके प्रेम की रीति को समझ करके और वे जरूर उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। और अंत में गोस्वामी जी कह रहे हैं, मारुति मन रुचि भरत की लखी लखन कही है, कलिकालहु नाथ नाम सो परतीति प्रीति एक किंकर की निवही है। भगवान श्री राम का सुंदर दरबार लगा हुआ है, पराम्बा भगवती जगत जननी श्री जानकी जी के सहित प्रभु दिव्य रत्न सिंहासन पर विराजमान है, हनुमान जी अत्यंत प्रेम विभोर होकर सरकार के चरण दबा रहे हैं, भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी अपनी अपनी सेवा में लगे हैं, उसी समय गोस्वामी जी की विनय की चिट्ठी विनय पत्रिका पहुंची और सबको पता था कि सब प्रतीक्षा में ही थे कि बस चिट्ठी आने वाली है, पत्रिका आई और उसी समय
श्री हनुमान जी और भरत जी, पहले हनुमान जी के हाथ में आई, हनुमान जी ने धीसे भरत जी के हाथ में खिसकाई, शत्रुघ्न जी फिर भरत जी के हाथ में पहुंच गई, फिर लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत अच्छा मौका है, इस समय बात छेड़ देनी चाहिए, और उस समय लक्ष्मण जी ने वो पत्रिका पेश कर दी, प्रस्तुत कर दी सरकार के यहाँ। अब देखो बहुत ध्यान से सुने, लक्ष्मण जी ने प्रस्तुत की, इसका भाव क्या है? लक्ष्मण जी जो हैं वो शेष तत्व हैं, शेष तत्व का अर्थ है गुरु तत्व, गुरु तत्व का अर्थ है जीवाचार्य, संपूर्ण जीवों के आचार्य गुरु तत्व श्री लक्ष्मण जी हैं। इसका मतलब है जीव के हृदय की सच्ची विनय की प्रार्थना तो सदगुरु ही भगवान के दरबार में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए लखन लाल जी गुरु।